गुरुवार की दोपहर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दल के साथ बड़े बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची। उसी दौरान व्यापारियों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। कई बार अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। बाद में तहसीलदार ने व्यापारियों के खिलाफ नामजद कार्रवाई को लेकर एक पत्र की CSP को सौंपा, जिसमें उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डालने और कार्यवाही को रोकने के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि तहसीलदार ने बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की है, जो गलत है। तहसीलदार का कहना है कि अतिक्रमण जो हद से बाहर किया गया था, जिसमें दुकान के ऊपर शेड और नाली के ऊपर पक्का निर्माण किया है, उसे हटाने आए हैं। बड़े बाजार क्षेत्र में करीब 1.5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। व्यापार महासंघ के पदाधिकारी भी मौके पर आ गए। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आप एक मिनट क्या, आपको हम सब गिरफ्तारी आपको दे देंगे। आप महिला अधिकारी हो तो एक ही नहीं है, आप महिला होने का दोष मत दो। आप कोई पुलिस अधिकारी होता तो हम बोलते आप यहीं से देखिए, 6 फुट मकान मिला हुआ है। आप इधर बोली जा रही है, आप नहीं, आप इधर बोली जा रही है। ये कौन सी जगह है, किस बात का? ये बड़े बाजार में है ना। वो ये क्या है कि नगर पालिका द्वारा 6.5 फीट और नीचे नाली के ऊपर 2 फीट का बाहर निकालने की परमिशन है, लेकिन आज तहसीलदार महोदय द्वारा आई बिना किसी सूचना, पूर्व सूचना के, बिना किसी को जानकारी दिए आके सीधी JBC से सारे ऊपर के छज्जे तोड़ दिए और नीचे की पूरे जो बाहर लगी पर्चियाँ तोड़ी थी, वो उसमें जो लगे हुए सामान को तोड़ दिया। उससे हमारा भारी नुकसान हुआ है ना। सारा सामान और कुछ सामान को ट्रालियों भर के नगर पालिका ने उठा लिया है, बाकी उठा के अपने अंडर में कर रखा है ना, जिससे भारी नुकसान हुआ। केवल 2-3 लोगों दुकानदारों पे कार्रवाई हुई, इसके अलावा पूरे विदिशा शहर में, पूरे बड़े बाजार में कहीं कोई अतिक्रमण नहीं तोड़े गए। केवल 3 दुकानदारों को इसमें प्रताड़ित किया गया है, और बड़ा गलत तरीके से, मतलब गलत कार्रवाई की गई है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और हम तो प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आज की हालत में इतनी महामारी, इतनी परिस्थितियाँ खराब चल रही हैं, इसके बावजूद भी हम लोग कैसे दुकान मैनेज कर रहे हैं, है ना, इसके लेकिन गलत तरीके से आज हमारे ऊपर कार्रवाई हुई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक बात और निकल के आ रही है, देख रहे हैं काफी भीड़ भाड़ यहाँ देखी गई, काफी लोग मास्क नहीं लगाए, तो उसको लेकर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज हो रही है, मेरी बात हो गई है अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, कई बार ऐसे अतिक्रमण की मुहिम तो आई है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त विदिशा कभी नहीं बन पाया। बड़ा जी अतिक्रमण होगा, बहुत कार्रवाई चल रही है, आप लोग देख ही रहे हैं।